बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक दिखा रही हूँ सिंपल फैब्रिक पे डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, और जो नेक आपके पास अगर पड़ा है आपके ड्रेस के साथ मैच है, या किसी भी नेक को लेके आप उसके साथ फैब्रिक भी ला सकते हो, या पार्टी वेयर पे, या किसी भी मेहंदी के फंक्शन पे, या कोई भी कलर का ड्रेस हो, कोई भी कलर का नेक हो, तो उसे आप कैसे लगा सकते हो। एक तो नेक का मामला मैं आपको बताती हूँ। एक तो उसकी शेप ऊपर से काफ़ी बड़ी सी होती है, बास नेक की होती है ज़्यादातर, तो उसको कैसे मैंने मैनेज किया, इसको मैंने दो दो इंच जो है ऊपर नेक में कंधों में दिया है नेक को, तो मतलब कटिंग किया ऊपर से। और उसके अलावा मैंने इसको कैसे मैंने आपको करीब से दिखा, सबसे पहले नेक की आपको डिटेल बताती हूँ कि इस नेक को कैसे आपने किसी भी ड्रेस पर लगाना है। कहीं भी जाने के लिए, फंक्शन के लिए आपने ड्रेस रेडी करना, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल आसानी से आपका इस तरह से खूबसूरती से एक फिनिशिंग आ जाएगी। वो ये है कि मैं बैक साइड से आगे की तरफ, मतलब फ्रंट की तरफ पलटा किया है ब्लैक कपड़े का, ठीक है। फ्रंट पे बिल्कुल मैंने चेक लिखी, पीछे से आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सादा कपड़ा है, ठीक है। ये और इसका पलटा ब्लैक है फ्रंट की तरफ हुआ है, और उससे के नीचे जो है मैंने चेपी, मतलब फ्रंट ही पे ही चेपी लगाई थी गोल इसी नेक की, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है इसके ऊपर मैंने ज़िगज़ैग पट्टी लगा दी, ताकि एक खूबसूरत सी लुक आ जाए, कि हट के ना लगे कि नेक से हट के है, कोई इसी से मतलब कलर मैच करके आप लगा लो। मैंने, मेरे पास जो था मैं उसी तरह से मतलब एक एक्स्ट्रा पिंक कलर्स में ऐड किया, वरना तो इसमें दो तीन कलर्स ही हैं, ब्लू और लाइट कलर है, एक ऐसे कद्दू सा कलर है। और ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे आपको सिलाई नज़र आ रही होगी ना, इसको आप ना भी हटाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सर नेक जो है ना उठा उठा नहीं रहेगा। इसके अलावा वो जो साइडों पे भी मैंने सिलाई लगाई है, अच्छा सेंटर पे तो बिल्कुल सिलाई लगाना बनता ना, ये नेक लगाने से पहले, मतलब इसको सारा राउंड बंद करने से पहले, सबसे पहले ऊपर से लगाओ, फिर सेंटर पर सिलाई लगा के साइडों से बंद करो। उसके अलावा हम आ जाते हैं सीधा दामन पर। यहाँ पर मैंने एक कटिंग वाली लेस भी ली हुई है जो ऊपर लगी है। अच्छा, ये शीटर लेस बहुत ही खूबसूरत सी बनी हुई है, मुझे फाइनली मैंने इस ड्रेस के लिए खरीदी ली, वरना ये अगले सीज़न के लिए पड़ा रहता। एक तो ये प्लम कलर शीटर में मिलता नहीं है, जो कलर मेरा नेक में है या जिस कलर का मेरे पास दुपट्टा है इसके साथ, ठीक है। इसमें अगर आपको एक आइडिया देती हूँ, अगर आपके पास भी इस तरह कोई प्लम कलर है ना जिसके साथ सेम शेड नहीं मैच हो रही, तो ऐसा अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा उसमें। आप ऐसा कीजिएगा, आराम से जो है ना इंडियन लेसों में जाके मैच कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जो चीज़ मैच हो जाए ना, वैसे ना भी हो ना तो प्रॉब्लम, इतनी टेंशन है। अच्छा, ये देखें, ये जो नेक में वर्क है ना, वैसे ही मैंने बाजू के आगे लिया है, क्योंकि वो जो नेक के साथ वाला पट्टी थी ना जो ऊपर लगी है, उसकी फिनिशिंग नहीं थी आ रही नीचे लगाने से, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर लगा दिया। वैसे भी मुझे जॉइंट डालना था बाजू को लंबा करने के लिए, जो जॉइंट डलता है ना, तो उसके लिए मैंने ये काम किया है, और इसे बहुत अच्छी लुक आई है। इसे अलग से जैसे लग रहा है जैसे कफ बने हुए, मेरे खूबसूरत से कफ बन गए मेरे। इसके अलावा जो मैं आपको साइडों पे चाक पे, मतलब जो ये देख सकते हो आप, ये डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ, ये बिल्कुल हट के यूनिक, मैंने आज तक कहीं से कॉपी तो नहीं की, मैंने ना ही मैंने किसी को लगाया देखा है इस तरह से, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरा खुद का एक्सपीरियंस, खुद का दिमाग था कि मैं यहाँ पे ये लगाऊं। उसके बाद मैंने साइडों पे ये सोचा था, और अचानक से ये दिमाग में आया कि इसके अराउंड भी गोलाई करती हूँ, मतलब ये जो पत्ता जो है फ्लावर है इसके अराउंड पर गोलाई अचानक से माइंड में आई है, जो कि मेरा खूबसूरत सा डिज़ाइन था। अच्छा, ये जो अचानक से आने वाला होता है ना डिज़ाइन, ये भी बड़ा उम्दा होता है, ये हर किसी को नहीं आता है, और हर कुछ सोचता भी है, हर किसी के देखा देखी जो है ना इसी तरह तो नए नए डिज़ाइन आते हैं, और आगे के डेवलप तो सारी दुनिया इसी तरह चलती है, फॉलो करती करती लोगों को, और इसी तरह से जो है ना नए से नए डिज़ाइन ईजाद होते रहते हैं। अच्छा, ये तो मेरी ईजाद थी ना, जिस चीज़ को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद खूबसूरत से डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह से। अच्छा, ये रहा पेंचे का मज़ीद पैटर्न, सेम वैसा ही बाजू वाला। अच्छा, बाजू के राउंड में मैंने ये काम किया, और सिर्फ पेंचे पे और यहाँ पे किया। वैसे भी ड्रेस पे ना एक ही चीज़ ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो आप, नेक पे कर ली, बाजू पे कर ली, ठीक है, उसके बाद मैंने साइडों पे जो रिपीट की वही पेंचे पे कर ली,
एक चीज़ को एक या दो बार रिपीट कर सकते हो, ज़्यादा बार रिपीट अच्छी नहीं लगती है, तो वो थोड़ा सा ना हट के काम हो जाता है। अच्छा ये नीचे देखिए मैंने पलटा और कलर का लगाया, इस डजेंट मैटर, मैंने बुकरम का लगाया, उसके बाद जो है ना पलटे के लिए कपड़ा कम था तो। अच्छा ये देखिए इसको मैंने सिलाई के साथ लगाया, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो सुई धागे के साथ, इस तरह के फ्लावर ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ज़्यादा उठेंगे, सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगती क्योंकि अलग अलग कलर के पत्ते हैं सारे। और ये सिंपल सी मेरी शलवार है और नीचे मैंने बस ये काम किया है। और इसके अलावा ये कलर का ये देख सकते हो आप, ये कलर बिल्कुल थोड़ा सा हट के है, ये मेरी शीटर लेस एम कलर नहीं मैच हुआ तो ना हो, लेकिन मुझे डिज़ाइन पसंद आ गया तो मैंने एवं खरीद ली, बनाइए मैं ड्रेस मज़ीद रखती अगले सीज़न पहनना चाहता। अभी माशाल्लाह से जुमे का दिन था, आज मैंने ये पहनना है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा ये प्लम। थोड़ी सी पता लाइटिंग को क्या हुआ, ये कुछ कलर ऐसा होता है कि कैमरे को क्या मसला हो जाता है, वो अच्छे से आपको दिखा नहीं पाता जो रियल में होता है, ठीक है। ये कलर वो जो स्कूलों में नहीं ब्लू शर्ट्स चलती जो लड़कियां पहनती हैं, ये वो सेम वो ही ब्लू शेड है, ठीक है। तो इसके साथ प्लम्प जो है मैंने मैचिंग के दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था किसी और ड्रेस के साथ का है, तो इसके साथ भी बिल्कुल अच्छा सा मैच हो गया, क्रेप का दुपट्टा है और ये देख सकते हो आप डिफरेंस। अच्छा नेक के साथ बिल्कुल ये मैच था दुपट्टा, सिर्फ लैस थोड़ी सी हटके लगी है, इट्स ओके, ऐसा आप बिल्कुल सोच के वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। कोई भी आपको अच्छी चीज़ लगे ना, आपका दिल खुद का मुतमईन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा ये बैक साइड पे भी आप दिखाती हूँ, ये जो बैक साइड सॉरी अंदर कॉल आ गई थी। अच्छा ये बैक साइड पे जो लगता है ना नेक, इसके सेंटर पे सिलाई लगाई मैंने और ये अराउंड पे भी सिलाई लगाई है। इसके अलावा मैं जो है इसको खूबसूरती के साथ, अच्छा यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आप इस में सारे तरीके को में कोई भी चीज़ पसंद है आप अपने ड्रेस पे अप्लाई कर सकते हो, मैं मज़ीद आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे टिप्स देती रहूँगी ड्रेसेस के वाले से। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।